अब अपने फोन को कैसे बनाएं DSLR, तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि अपने फोन को कैसे DSLR करें और बैकग्राउंड को कैसे ब्लर करें DSLR की तरह। आपको DSLR खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फुल वॉच करना इस वीडियो को। गाइस वेलकम बैक टैगल मोबाइल में आप सबका स्वागत है, आप देख रहे हो टैगल मोबाइल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके फोन की कैमरे की क्वालिटी बहुत ही खराब है, अगर उसे अच्छी बनाना चाहते हो, DSLR की टक्कर में देना चाहते हो, DSLR की तरह बनाना चाहते हो अपने कैमरे की क्वालिटी को, तो अगर उसे ब्लर बनाना चाहते हो, बैकग्राउंड को ब्लर बनाना चाहते हो, अगर आप अपने कैमरे को बैकग्राउंड से फोटो खींचते हो या फ्रंट कैमरे से खींचते हो, तो उसे दोनों सेटों में से ब्लर कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। DSLR की टक्कर में कैसे अपने फोन की कैमरे की क्वालिटी को कैसे अच्छी तरह बनाएं, तो ये फेक वीडियो में बनाऊंगा। अच्छी क्वालिटी की एक कैमरे की क्वालिटी आपको DSLR खरीदना नहीं पड़ेगा, अब आपके फोन में ही DSLR बनेगा, DSLR बनेगा 100% बनेगा। तो इस वीडियो को जरूर देखना, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि मैं ऐसी खास टेक रिलेटेड, यूट्यूब रिलेटेड, ट्रिक रिलेटेड ऐसी न्यू ट्रिक वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया होते हो, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया तो जाकर वहां पर फॉलो कर लें। ज्यादा बकवास करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सेम वैसा ही वर्क करेगा जैसे आपके फोन का कैमरा वर्क करता है, सिंपल सा है, बस आपने कुछ नहीं करना है। इस एप्लीकेशन से आप इंस्टॉल कर लोगे, ओपन कर लोगे, ओपन करते आप देखोगे कि जीमेल को लिंक करने को कहेगा आपको, जीमेल से आपको गूगल से लिंक कर लेना है, अपने फोन में जो सा आपका जीमेल चल रहा है उसे लिंक कर लेना। लिंक करने के बाद कैमरे की तरह आपका वर्क करेगा, बस आपने या बैकग्राउंड की तरफ से आपने फोटो खींचनी है तो बैकग्राउंड की तरफ से खींच लो, या अपने फ्रंट की साइड फ्रंट की तरफ से अपनी फोटो खींचनी है तो वहां पर क्लिक करना, तो आपने अपनी फोटो को खींचोगे तो आप देखोगे कि आपका जो सा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल ब्लर हो चुका है। ऐसे नहीं है कि आपकी टी शर्ट या आपके हेयर भी ब्लर हो चुके हैं, कई 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 फोनों में जो सा कैमरे में ब्लर का ऑप्शन होता है, जब उस फोनों में आप ब्लर के ऑप्शन होता है जिसमें कैमरे में, तो आप जिसमें फोटो खींचते हो उस फोनों में तो शेयर या टी शर्ट ब्लर कर देता है, बट ये एप्लीकेशन जब आप फोटो क्लिक करोगे तो एक दो सेकंड की प्रोसेसिंग लेगा, प्रोसेसिंग के बाद आप देखोगे पूरी तरह आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, आपकी टी शर्ट या हेयर में बिल्कुल ब्लर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बिल्कुल HD और ब्लर होगा आपका बैकग्राउंड, कुछ भी बैकग्राउंड में दिखेगा। तो आप उसके एडजस्ट वहां पर कर सकते हो, फोटो खींचने के बाद ब्लर हो जाती है, आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं वहां पर नीचे जाकर, जब आप फोटो खींच लेते हो ब्लर हो जाती है तो आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इतना ब्लर करना है, ज़्यादा ब्लर करना है, या बेसिस ब्लर करना है, तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा कस्टम, कस्टम पर क्लिक करोगे वहां पर जाकर, सॉरी कस्टम पर वहां पर क्लिक करोगे वहां पर जाकर, तो आपको बैकग्राउंड में बिल्कुल बैकग्राउंड को सफेद कर सकते हो, बिल्कुल बैकग्राउंड को उठा सकते हो, बिल्कुल ही जो से आपका वहां पर जहाँ से जहाँ पर आपने रिक्वेशन पर फोटो खींची थी वो बिल्कुल हट जाएगा, आपकी फोटो रह जाएगी। जैसे हम कट ऑफ करते हैं किसी फोटो में जाकर, तो ये भी बहुत अच्छी बैटर है, आपको कट ऑफ करने की बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत नहीं है, इसी कैमरे में कर सकते हो आप। तो एक बहुत ही अच्छी मैंने एप्लीकेशन बताई है, बहुत ही ज्यादा गर्मी होगी, इस वीडियो को लाइक कर दें तो डिसलाइक वाले डिसलाइक कर सकते हैं। ऐसे ऐसे मैं एप्लीकेशन लाता रहता हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, वहाँ पर क्लिक करें तो ये DSLR की तरह काम करेगा, HD करेगा, ब्लर करेगा आपके फोनों में। तो अगर आपका ऑप्शन नहीं है, आपके कैमरे में ब्लर का ऑप्शन नहीं है, तो इसमें कैमरे में ऑप्शन है, तो आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा बना सकते हो अपने फोटो के लिए HD और ब्लर। तो मेरे चैनल पर नहीं हो तो यू तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वहाँ पर कोई भी रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की 24 घंटे मेरे कोशिश करूँगा। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई यार, एक तो